प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर वहां लगी प्रदर्शनी का दौरा किया। इस इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से भारत विश्व को अपनी नई तकनीक दिखा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जाना कि कैसे भारत में तकनीक के जरिए चीजों को अधिक आसान और लोगों के उपयोग में कैसे लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम भविष्य की बात करते थे तो उसका अर्थ अगला दशक या 20-30 साल का समय या अगली शताब्दी होता था, लेकिन आज हर दिन टेक्नोलॉजी में होते तेजी से परिवर्तन के कारण हम कह सकते हैं कि फ्यूचर इज हेयर एंड नाउ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस और तब की डॉक्टर मनमोहन सरकार पर कई निशाने साधे। उन्होंने कांग्रेस के शासन में हुए 2G घोटाले का जिक्र किया। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे यहां 2G के समय क्या हुआ था, शायद नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा। लेकिन साथियों, इस पड़ाव पर हमें यह भी याद रखना होगा कि हम कितना दूर आए हैं और इतना दूर किन परिस्थितियों के बाद आए हैं। आप 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए, तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी, ऐसा ही होता था ना, जरा बताइए ना। चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर ले, चाहे जितने भी बटन दबा ले, असर कुछ होता ही नहीं था, बराबर है ना। और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का, या कहें या तब की सरकार ही, हैंग हो गए वाले मोड में थी। और हालत तो इतना बिगड़ चुका था, रीस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था। बैटरी चार्ज करने से भी फायदा नहीं था, बैटरी बदलने से भी फायदा नहीं था। 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें सेवा करने का अवसर दिया। इस बदलाव से क्या हुआ,
वो भी साफ दिखता है। उन्होंने बदलाव की बात करते हुए कहा कि 2014 सिर्फ साल नहीं बल्कि बदलाव है। 2014 में हमारे पास, मैं 2014 क्यों कह रहा हूं पता है ना, वो तारीख नहीं है, एक बदलाव है। हजार के पहले भारत के पास कुछ हंड्रेड स्टार्टअप थे, कुछ हंड्रेड्स, लेकिन अब यह संख्या 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। इस आयोजन में 22 देशों से लगभग 5000 सीईओ स्तर के प्रतिनिधि, 230 प्रदर्शक, 400 स्टार्टअप और विभिन्न हितधारकों सहित 1 लाख प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है।